हेलो एंड वेलकम टू एल एन आई एस यूट्यूब चैनल आई एम योगेंद्र शर्मा योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी एंड टुडे आई विल डिस्कस विद यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर ईयर 2016 दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो ये एक लाइव ऑनगोइंग सेशन है जो कि फाइव टू सिक्स रनिंग है इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन चलिए सबसे पहले इस वीडियो इस ईयर ट्वेंटी का क्लासिफिकेशन समझते हैं कि कितने क्वेश्चन आए और किस तरीके से क्वेश्चन का डिवीजन रहा हमें देखने को मिलेगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ईयर ट्वेंटी सिक्सटीन के अंदर है फिफ्टीन जैसा कि मैंने आपको बताया था थर्टीन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे फिफ्टीन देन उसके बाद फोर्टीन के अंदर वो क्वेश्चन बढ़ के हो गए सेवनटीन देन इन ईयर ट्वेंटी फिफ्टीन क्वेश्चन का जो वेटेज था वो रिड्यूस हुआ अराउंड टेन अगेन थोड़ा सा हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज वापस बढ़ते हुए दिखाई दे ईयर ट्वेंटी सिक्सटीन ईयर ट्वेंटी सिक्सटीन को आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बेसिक साइंस एंड बेसिक सॉरी बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से ऑलमोस्ट नील क्वेश्चन देखने को मिले वहीं पर बायोलॉजी सेक्शन से आपको देखने को मिले अराउंड मिल रहा और बाकी का सारा जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल रहा है फ्रॉम द टेक्नोलॉजी साइड और उसमें भी आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन को मिल रहे हैं दैट इज एक्चुअली फ्रॉम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो पैटर्न आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है बेसिक साइंस का वेटेज ज्यादा हुआ करता था इन द ईयर ट्वेल्व थर्टीन धीरे धीरे वो वेटेज कम हुआ और टेक्नोलॉजी का वेटेज बढ़ गया बट इसका ये मतलब नहीं है कि इफ यू हैव नो नॉलेज अबाउट द बेसिक साइंस और आप टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस को कर जाओगे बेसिक साइंस का नॉलेज होना जरूरी है टेक्नोलॉजी क्वेश्चन चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और सभी ने डे टू डे लाइफ में वाईफाई के बारे में सुना होगा एंड हियर वी हैव न्यू वर्ड दैट इज लाइफाई लाइफ आई मीन वॉट लाइट फिटैलिटी जैसे वाईफाई को बोला जाता है वायरलेस फिडेलिटी वैसे लाइफाई फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट क्या लाइफाई टेक्नोलॉजी का आज के टाइम पर कोई रिलिवेंस है डेफिनेटली बिल्कुल है बिकॉज लास्ट ईयर ही गुजरात नाडाबेट जो कि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उस बॉर्डर एरिया के अंदर लाइफाई टेक्नोलॉजिकल सेटअप किए गए वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लाइफाई टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनेट का प्रोवाइड कराया जा रहा है ऑल दर गुजरात के अरावली डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वी हैव अराउंड टू विजेज जहां पर लाइफाई टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया वहां के विलेज विलेजर्स को इंटरनेट विद हेल्प ऑफ लाईफाई प्रोवाइड कराया जा रहा है सो इन ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी लाइफाई अगेन न्यूज के अंदर आ जाता है और जब कभी भी हम डिफिकल्ट टेरेन की बात करते हैं जहां पर माइक्रोवेव से इंटरनेट प्रोवाइड कराना डिफिकल्ट है वहां पर सेकंड ऑप्शन हमें देखने को मिलता है लाइफाई एज ए ऑल्टरनेटिव

विजल लाइट अब आपसे पूछा गया इट यूजेज लाइट एज द मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन सो दैट मीन वॉट हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन मीन वॉट कम्युनिकेशन सो देक्ट अगर लाईफाई की बात होगी तो लाइफाई के अंदर हम लाइट को फोटोन को यूज करते हैं फॉर वॉट फॉर कम्युनिकेशन पर्पज फॉर डेटा ट्रांसमिशन परपज सेकेंड स्टेटमेंट इट इज अरलेस टेक्नोलॉजी एंड इट इज स्टेटमेंट के, के बारे में समझते हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट क्या क्या रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जब आप वर्ड को सुनोगे दें, आपको देखने को मिलेगा एलईडी नो इज वॉट लाइट एमिटिंग डायोड जो अभी घर में हमारे डे टू डे में आप देखते हो एलईडीज वो क्या प्रोड्यूस करके देते हैं लाइट आपको प्रोड्यूस होते हुए देख रही है अब यहां पर होगा क्या इन लाइफाइड टेक्नोलॉजी एलईडीज जो अभी के एलईडीज है इनको थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा उनमें कुछ चिप लगाई जाएंगी और उन चिप की हेल्प से जो सिग्नल्स हैं जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हो एलईडीज को आप प्रोवाइड कराओगे एलईडीज के अंदर हमें देखने को मिलेगा ब्राइटनेस के अंदर फ्लिकरिंग कराई जाएगी यानी उनको ऑन और ऑफ किया जाएगा इतने फास्ट स्पीड से कि हमारी आई उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी बट वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट एलईडीज को ऑन और ऑफ कराया जा रहा है दैट मींस डेटा डेटा फॉर्म जनरेट हो रहा है 0101 यो है यो मॉड्यूलेशन का वो आपको देखने को मिलेगा तो आप कैसा समझ सकते हो जैसे वाईफाई के अंदर आपके घर में लगे होते हैं वाईफाई राउटर वैसे ही लाइफाई के अंदर घर में लगे होंगे या जहां पर भी हमें लाईफाई प्रोवाइड कराना है एलईडी राउटर यहां पर एलईडी लाइट एमिट एमिटिंग सोर्स की तरह तो काम कर ही रहा है बट एक राउटर की तरह काम भी कर रहा है इंटरनेट यानी दैट मींस कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराने का भी हेल्प कर रहा है वहीं पर हमारे जो डिवाइसेज हैं लैपटॉप मोबाइल्स या कोई और डिवाइसिस जिसमें हमें इंटरनेट को रन करना है उनमें लगे होंगे कुछ फोटो डिटेक्टर्स फोटो डिटेक्टर्स क्या करेंगे एल की ब्राइटनेस में होने वाली जो फ्लिकरिंग है उसको वो डिटेक्ट करेंगे और एज ए रिजल्टेंट दे प्रोड्यूस वॉट इलेक्ट्रिक करंट इन ऑफ दैट सर्किट इलेक्ट्रिक करंट है क्या वो इनडायरेक्टली जैसे हमारे मोबाइल में आज वाईफाई के थ्रू जो इंटरनेट आ रहा है या फिर टावर से हमें जो मोबाइल में इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है वो भी है, है क्या माइक्रोवेव और माइक्रोवेव कन्वर्ट होकर मोबाइल में बन जा रही है क्या इलेक्ट्रिक सिग्नल जहाँ से हम जो भी सर वीडियो सर्फरिंग कर रहे हैं या फिर सर्फिंग कर रहे हैं या फिर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो क्या बात समझ में आई हमें वाईफाई के अंदर हम माइक्रोवेव को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स फॉर इंटरनेट लाईफाई के अंदर हम यूज़ करते हैं लाइट को एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेट वाईफाई में हमारे पास होता है वाईफाई राउटर लाईफाई के अंदर हम एलईडी को एज अ राउटर यूज़ करेंगे वाईफाई में वाईफाई के अंदर हमें देखने को मिलता है या हमारे मोबाइल में लगे हैं माइक्रोवेव को डिटेक्ट करने वाले रिसीवर एंटीनाज यहां पर लगे होंगे रिसीवर फोटो डिटेक्टर तो थोड़ा सा सर्किट में चेंजेस देखने को मिलेगा बट एज ए रिजल्टेंट जो हमें अचीव करना है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का वो हमें मिल पाएगा इसका मतलब हमें थोड़ा सा और ध्यान से समझें यहां पर क्या बात हो रही है आपके सामने इस समय क्या है इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम का जो शुरुआत होता है वो होता है रेडियो वेव्स के साथ रेडियो वेव्स जो कि मेगा हर्ज के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है देन उसके बाद माइक्रोवेव हमें देखने को मिलती है जो कि गीगा हर्ज के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है अल्ट्रा वायलेट यूवी एक्सरेज एंड गामा तो हमें देखने को मिला जब हम माइक्रोवेव को यूज कर रहे हैं तो उसे बोला जा रहा है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स को यूज कर रहे हैं तो रेडियो वेव कम्युनिकेशन और वहीं पर हमने विजुअल लाइट को यूज करना चालू कर दिया तो दैट थिंग इज वॉट लाइफाई और दैट थिंग इज वॉट विजुअल लाइट कम्युनिकेशन विजुअल लाइट कम्युनिकेशन को जब आप देखोगे तो जब आप रेडियो वेव से लेके और गामा की तरफ बढ़ते हो तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है इंक्रीज जब कभी भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो आपके डेटा ट्रांसमिशन की जो रेट होती है वो भी फास्टर होती चली जाती है इसके अगर बहुत टेक्निकल ना हो केवल डे टू डे कॉमन सेंस से समझे तो आप देखना आपके घर में जो वाईफाई राउटर लगे हुए हैं जनरली आप जब अपने लैपटॉप या मोबाइल को ऑन करोगे तो आपके राउटर आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड करा के देगा पहला ऑप्शन होगा वाईफाई राउटर 2.4 पॉइंट और सेकेंड ऑप्शन होगा 2.4 पॉइंट फोर होगा पहला तो और सेकेंड क्या होगा फाइव गीगा तो जनरली आपको जब स्पीड चाहिए होती है तो आप 2.4 से हटा के अपने मोबाइल या अपने डिवाइसेज को किसके साथ में कनेक्ट कर देते हो फाइव गीगा वाले फ्रीक्वेंसीज के साथ दैट मीन्स वॉट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा डेटा ट्रांसमिशन फास्टर होगा आपको अच्छी स्पीड मिलेगी बट वहीं पर कवरेज कम होता चला जाएगा तो जब आप 5G 5G राउटर के साथ कनेक्ट करते हो आपको फास्टर स्पीड मिलती है आपकी रेंज कम हो जाती है इसके साथ आपको रेंज थोड़ी ज्यादा मिल जाती है लेकिन स्पीड कम हो जाती है दैट मीन्स अगर इसी को एनालाइज किया जाए इसको आप यहां पर पढ़ सकते हो यहां पर जो मैंने आपको बातें बताई वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जब इस पॉइंट्स को यहां पर पढ़ा जाए वापस से और वहां पर सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इट इज

दैट so मीन्स इसका आंसर क्या होने वाला है इसका आंसर होने वाला है बोथ वन एंड टू दोनों के दोनों करेक्ट है ठीक है आगे चल के इससे रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन आएंगे जिनको हम आगे के आने वाले साल्स में आने वाले ईयर्स में डिस्कस करेंगे चलिए सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इन द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट इन द बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टॉम सम न्यूज रेफर्स टू

के अंदर हमें देखने को मिलता है जेनेटिक बायोलॉजी को जब आप रीड करते हो जब बायोलॉजी के अंदर आप न्यूक्लिक न्यूक्लियस नु, में जाओगे और वहां पर डीएनए और जीनोम के बारे में स्टडी करोगे देन व्हाट यू विल फाइंड आउट बहुत सारा डेटा है वहां पर डीएनए के जब कंप्लीट डीएनए का एनालिसिस होता है या जीनोम सिक्वेंसिंग के बारे में बात करते हो वहां पर खूब सारा डेटा है उस डेटा को समझने के लिए वॉट वी हैव टू डू हमें कंप्यूटर साइंस हमें स्टेट्स लगाना होगा तो जब स्टेट्स और कंप्यूटर साइंस

ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकेंड वन इज जीनोम इन दोनों वर्ड से मिलकर क्या बना है ट्रांसक्रिप्टोम अब आपसे पूछा गया है कि आप बताइए इनमें से क्या है अ रेंज ऑफ एंजाइम यूज इन जीनोम एडिटिंग द फुल रेंज ऑफ एम आर एन ए मोलिक्यूल एक्सप्रेस बाई एन ऑर्गेनिक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन अ मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन टेकिंग प्लेस इन द सेल अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये गुड आफ्टरनून सुमन बहुत आसान क्वेश्चन है अगर बायोटेक्नोलॉजी को आपने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या हैं उन कॉन्सेप्ट को देखिए बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको देखने को मिलेगा जब हम देखते हैं कि डीएनए से एम आर एन ए मैसेजर आरएनए बन रहा है जब डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है दैट थिंग इज वॉट ये न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है और वहां पर ये पूरा का पूरा एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को सेल में इन साइड में डीएनए जब मैसेजर आर के अंदर कन्वर्ट होगा इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बताइए आप क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से RNA, messenger RNA बनने का जो प्रोसेस है, सेकंड वन डीएनए से डीएनए भी बन रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है replication. Further, mRNA क्या करता है और की से प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो एम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा क्या पॉइंट यहां पर आपको समझ में आया डीएनए से बना आरएनए आरएनए जो कि फर्दर प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाला है तो यहां हमें देखने को मिला डीएनए से जब आरएनए बना वॉट ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से डीएनए वापस बनेगा दैट थिंग इज रिप्लीकेशन आरएनए जब से कई सारे डिफरेंट आर और सेल ऑर्गेनल्स की मदद से प्रोटीन सिंथेसिस करता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है ट्रांसलेशन और यही प्रोसेस जनरली बोले जाते हैं जीन एक्सप्रेशन के नाम से दैट मीन वॉट जीन का ट्रांसलेशन होना ही क्या है क्या बोला था जीन एक्सप्रेशन अब यहां से एग्जामिनर ने आपसे पूछा ट्रांसक्रिप्टॉन दैट मीन जीनोम का ट्रांसक्रिप्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सीधी सी बात है डीएनए जब आरएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है दैट प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन और वहीं पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा तो यही उसने पूछा है कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्टॉन दैट मीन डीएनए आर में जा रहा है और वो आर आगे चल के क्या बनाने वाला है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाला है, That means cell division होने वाला है, जो है उसमें हेल्प होने वाली है so जीन को एडिट करने की कोई बात नहीं हो रही सीओ डी ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल वेग स्टेटमेंट है लेकिन जब सेकेंड स्टेटमेंट को देखोगे जब बी ऑप्शन को देखोगे वहां पर आपसे क्या बोला जा रहा है वहां पर आपसे बोला जा रहा है दुल रेंज ऑफ मोलिक्यूल एक्सप्रेस बाई एन ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे पूछा गया मिशन इंद्रधनुष जनरली आप हेल्थ सेक्शन के अंदर इसको देखने को मिलता है आपको अबाउट मिशन इंद्रधनुष और वहां आपसे पूछा लॉन्च द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन इंद्रधनुष ऑल दो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकती है बिकॉज इकॉनमी सेक्शन के अंदर भी एक बार इंद्रधनुष स्कीम्स के बारे में बात की गई थी वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड था लेकिन जब इसे देखोगे देखने के बाद जब आप नीचे ऑप्शन देखोगे ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा कि मिशन इंद्रधनुष एक्चुअली किससे रिलेटेड है इसका आंसर है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंट वुमेन इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया ले लेते हैं वॉट इज द मिशन इंद्रधनुष ऑलरेडी आपको बताया फ्रॉम द टेन्यूर ऑफ इंदिरा गांधी जी इंडिया में आपको देखने को मिलेगा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। राजीव गांधी जी के टाइम को इंटीग्रेट करके एक डिफरेंट फ्लैगसिप प्रोग्राम स्टार्ट किया इन द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज वॉट मिशन इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष का कोर ऑब्जेक्टिव क्या था इम्यूनाइजेशन ऑफ आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन चिल्ड्र का अचीव करना है उसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन किया जाएगा और न्यूली बॉर्न जो चाइल्ड है उनको भी वैक्सीन किया जाएगा फॉर द डिफरेंट जैसे क्या क्या कई अराउंड दिफरेंट डिजीजेड के लिए यहाँ पर वैक्सीन के प्रोग्राम चलते हैं जैसे कि वोफिंग डिप्तेरिया पोलियो टिटनस ट्यूबरक्सिस बी रोटा वायरस निमोनिया मैनजाइटिस इस तरीके के कई सारी डिजीजे के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया फर्दर आपको देखने को मिला फ्रॉम ट्वेंटी ऑनवर्ड आज 2022 तक हमें देखने को मिलता है जा कुछ कुछ ना कुछ एडिशन किया जा रहा है। जो जिनके अंदर भी अचीव नहीं हुआ उनको कवर किया जा रहा है, ऐसे करते -करते ये प्रोग्राम अभी भी है। तो इसका आंसर सीधा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फोर प्रोजेक्ट लोन प्रोजेक्ट लोन उस समय पर जो करंट अफेयर में चल रहा था वहां से उठाया गया Although इसका आज कोई लेना देना नहीं है आज के टाइम पर बट आज आपसे एग्जामिनर जैसे उस टाइम पर आपसे पूछा था प्रोजेक्ट लोन समटाइम सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है आज के समय पर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है स्टार लिंक प्रोग्राम या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वन वेब कंपनी जो है स्पेस रिलेटेड वन वेब इंटरनेट प्रोग्राम के बारे में ठीक है प्रोजेक्ट लून क्या था अभी मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में बता दूंगा बट स्टारलिंग के बारे में आपको पढ़ना चाहिए स्टारलिंग क्या है स्पेस एक्स कंपनी का एक होलिस्टिक प्रोग्राम है जिसके अंदर वो अराउंड ट्वेल्व थाउजेंड सेटेलाइट को लोअर्थ ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करके ग्लोब इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बातें कर रहे हैं है, है। है, वो भी more than 500 satellites को में में ले जाके कई सारे के 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 अंदर internet services provide कराने के बारे बातचीत कर रही से बन आ सकता है, जैसे यहां पर प्रोजेक्ट लून के आया प्रोजेक्ट लून क्या था उस समय पर गूगल कंपनी ने एक इस तरीके का प्रोग्राम सोचा क्यों ना हेल्प ऑफ बलून जिनको स्ट्रेटोस्फियर प्रोपोस्फियर के जस्ट अब स्ट्रेटोस्फियर में रखा जाए और वहां से जो ऐसे एरिया है ऐसे डिफिकल्ट एरिया है जहां पर बिकॉज ऑफ द डिजास्टर या फिर वहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस एरियाज में इंटरनेट प्रोवाइड कराना था तो यहाँ पर होगा क्या बलून से माइक्रोवेव्स को डायरेक्ट सेंड किया जाएगा इन दी टेरेस्ट्रियल रीजन ग्राउंड पर और वहां पर ग्राउंड स्टेशन की हेल्प से इंटरनेट फैसिलिटीज को कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराया जाएगा उन एरियाज में जहाँ पर इंटरनेट वगैरह नहीं है यह क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा अभी स्टारलिंक या वन वेब के बारे में पूछ सकता है और उसमें भी खास करके वन वेव उसका कारण क्या है मिशन जो है कंपनी का उसके अंदर अराउंड थर्टी सैटेलाइट और उससे पहले नवंबर और अक्टूबर के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इसरो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे हमारा इन्वॉल्वमेंट भी है को करने में तो उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है चलिए इसका आंसर होगा वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन नंबर फाइव में बात करते हैं क्या हुआ क्वेश्चन नंबर फाइव डे टू डे लाइफ का ये क्वेश्चन है जिसको आप बोल सकते हो लाइफ साइंस से क्वेश्चन उठाया और ये चेक कर रहा है कि आपका अवेयरनेस का लेवल क्या ऑल द न्यूजेज में भी चलता है बट कोई भी FWISI के रेगुलेशन को तो नहीं पढ़ने वाला यहां तो आपके अवेयरनेस चेक की जा रही है आप कितने अवेयर हो आप कितने अवेयर कंज्यूमर हो आप मार्केट से अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाते हो तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हो आपसे पूछा गया विद रेफरेंस टू प्री विधरेज आइटम इन इंडिया

आपको न्यूट्रिशन का इंफॉर्मेशन प्री पैकेज जो आइटम होते हैं उन पर देखने को मिलता है उसमें कितना एनर्जी है कितना कार्बोहाइड्रेट है कितना शुगर कितना प्रोटीन एटसेट्रा इसको बोला जाएगा न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी है देन व्हाट यू विल फाइंड आउट आपको इंग्रेडिएंट्स वाला एक सेक्शन मिलेगा जिसमें यह होगा कि क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं जिससे ये कंप्लीट फूड प्रोडक्ट जो बनाया है वो सब मेंशन होगा जैसे मैगी में आपको देखने को मिलेगा फिफ्टी परसेंट रिफाइंड वीट फ्लोर है या उसके अलावा क्या क्या एडिटिव जो, जोड़े गए हैं क्या क्या एमल्सिफायर इसमें जोड़े गए हैं कितना साल्ट है किस तरीके के स्पाइसेस को यूज किया गया है वो सारे पॉइंट्स इंग्रेडिएंट्स के अंदर रहते हैं फर्दर आपको देखने को मिलेगा किस तरीके का साइन होगा ग्रीन कलर का साइन रिप्रेजेंट वेजिटेरियन यहाँ पर अगर रेड कलर का साइन हो गया दैट इज़ नॉन वेजिटेरियन तो ये साइन भी देखने को मिलता है हाँ कई कुछ ऐसे प्रोडक्ट है बहुत ऐसे कम प्रोडक्ट मिलेंगे आपको और वो हाईली आपको कभी कभी मिल सकता है तो पीनट बटर के ऊपर मिल सकता है क्योंकि पीनट से कई लोगों को एलर्जी होती है तो वहां पर बाकी जनरली आपको मिलेगा नहीं मार्केट में ये भी क्योंकि ऐसा कंपलसर नहीं किया हुआ है FWSI ने सो so दैट जब आप इसको इस क्वेश्चन को करने जाओगे आपके पास अवेयरनेस ऑलरेडी है जब आप इसके ऑप्शन को देखोगे तो आप डेफिनेटली फोर्थ स्टेटमेंट वेजिटेरियन वाला साइन होता ही होता है वेज और नॉन वेज का न्यूट्रिशनल वैल्यू और इंग्रीडियंट आपको हर जगह पर देखने को मिलेगी दैट मीन आंसर क्या हो जाएगा वन टू एंड फोर ठीक है ना कंफ्यूज नहीं होना है कि क्योंकि हो सकता है आपने किसी प्रोडक्ट पर यह भी देख लिया हो लेकिन ये आपको हर प्रोडक्ट में नहीं देखने को मिलेगा एलर्जी वाला जो कंपोनेंट है ठीक है ना इसलिए आंसर रहेगा एंड फोर क्वेश्चन नंबर सिक्स नेट मीटरिंग जैसा कि मैं आपको ईयर ट्वेंटी फोर्टीन का जब क्वेश्चन करा रहा था तो वहां पर मैं डिस्कस कर रहा था आपके सामने सोलर सेल टेक्नोलॉजी जिसे फोटोवोल्टिक्स भी बोलते हैं फोटोवोल्टिक्स टेक्नोलॉजी और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी की जब मैं बात कर रहा था मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको नेट मीटरिंग के बारे में बताऊंगा इन ईयर 2016 वाले पेपर में तो बस वही है 2016 के पेपर में आपसे पूछा गया नेट मीटरिंग समटाइम्स जो आप न्यूज के अंदर देखते हो वट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट इस वर्ल्ड के बारे में जानते हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट नेट मीटरिंग को समझ लेते हैं ऑल मैंने अब आपको बताई दिया सोलर सेल से रिलेटेड दैट मीनस इसका आंसर क्या होने वाला है प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी बाई हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर देख लेते हैं लेकिन नेट मीटरिंग यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है चलिए सोलर सेल जो है वो हेल्प ऑफ फोटो वोल्टिक इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं वोल्टेज डिफरेंस और उस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से हमें देखने को मिलता है फोटो इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है हमें इलेक्ट्रिक करंट हमें देखने को मिलती है तो इसके आउटपुट क्या होता है डीसी करंट डीसी करंट हमें सोलर सेल से प्रोड्यूस होते हो देखने को मिलेगा उस डीसी करंट को आप यूज करने उसको स्टोर पर करने वाले हो बैटरीज के अंदर बैटरीज को स्टोर करने के बाद आप यूज करोगे बैटरी है तो पास में ही इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर क्या करता है? उससे में कर देता है और एसी की हेल्प से अपने घर में उसे यूटिलाइज कर सकते है। हैं बट अब आइए आपने अपने हाउस के रूप पर सोलार पैनल्स को बिछा दिया और उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली अमाउंट आप फॉर एग्जाम्पल आप एट हंड्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बराबर का करंट यहां पर पावर आप प्रोड्यूस कर रहे हो ठीक है फिर ये यूनिट्स, फॉर एग्जांपल आपने यूटिलाइज कर ली घर में कुछ बच गई तो इन सब का होगा क्या ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप सोलर सेल का यूज कर रहे हो और आपने घर में ही आपने अगर बैटरीज के थ्रू सोलर एनर्जी को स्टोर करना चालू कर दिया तो उसे मेंटेन करना स्टोरेज का खर्चा बहुत कुछ बढ़ जाएगा तो इस पूरी प्रोसेस को कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हाउस होल्ड की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आया नेट वो क्या कहता है अगर आपने अगर आपने एक्स अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की विद हेल्प ऑफ सोलर सेल और अगर आपने फॉर एग्जांपल वाई अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की तो उनका बैलेंस सेटअप किया जाएगा यानी यहां पर एक मीटर लगाया जाएगा जो कि बाय डायरेक्शनल मीटर होगा वो बाय डायरेक्शनल मीटर क्या करेगा आपने जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया उसको भेज देगा डायरेक्ट किसको ग्रिड के पास ग्रिड का मतलब क्या जैसे जयपुर के अंदर जो ग्रिड सप्लाई को है, उसको बोला जाता है साथ ही कनेक्टेड हो गया तो उस घर के अंदर आपको देखने को मिलेगा वहां पर दो केबल्स होंगे इलेक्ट्रिक की एक केबल तो आ रही होगी ग्रिड से घर की तरफ और एक जा रही होगी घर से ग्रिड की तरफ यानी आपने जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस गई और वहीं पर आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चल रही है वो ग्रिड से जो सप्लाई आपको मिल रही है ग्रिड का मतलब क्या बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगे हुए हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं आपके घर में आके ऐसा करके आपका बैलेंस देखा जाएगा बैलेंस देखने का मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने 800 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया वहीं पर आपने 1000 यूनिट्स को कंज्यूम कर लिया तो आपका जो बैलेंस होगा वहां पर बिल बनेगा गवर्नमेंट आपसे परचेज भी कर रही है और गवर्नमेंट आपके ऊपर आपको पे भी करना है गवर्नमेंट को इनको बैलेंस किया जाएगा दो आइडियली ऐसा होता नहीं है गवर्नमेंट आपसे जो गवर्नमेंट आपसे जो डिमांड करती है पैसा वो ज्यादा होता है वो से से पर यूनिट ऊपर चला जाता है गवर्नमेंट आपको जो रुपया देती है वो रेस्पेक्टिवली और फोर के आसपास रहता है बट नेट मीटरिंग का जो है वो समझ में आए आपको आपने जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया विद हेल्प ऑफ सोलर सेल वो गया ग्रिड में और वहीं पर ग्रिड से आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर यूज कर रहे हो वो आपके मीटर में वो भी काउंट हो गया फिर बैलेंस किया जाएगा इन दोनों के बीच में ठीक है इसका आंसर क्या होने वाला है इसका आंसर होने वाला है प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी बाई दी हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन जहां पर आपसे पूछा गया ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आज के समय पर इसका कोई लेना देना नहीं बट ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है कि एग्जामिनर जब आपसे आई एन एस के बारे में पूछ सकता है तो लास्ट ईयर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक वेपन है इंडिया के जो न्यूज में काफी बने रहे तो दैट मीन एग्जामिनर आपसे यहां से भी क्वेश्चन बना सकता है एस फोर या फिर आई एन एस विक्रांत या फिर आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है अरिहंत के ऊपर अग्नि फाइव ब्रह्मोस सेकेंड रामजेट जैट स्क्रैम जैट यह वो सब स्ट्रेटेजिक वेपन है जिनके बारे में थ्रू आउट द ईयर डिस्कशन होता रहा है जैसे उस समय पर न्यूज में था आई एन एस वहां पर पूछा गया आज इनसे कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है ठीक है ना तो इसका आंसर क्या होने वाला है इसमें यह एमपीवीएस वॉरशिप नहीं था ना ही इसका न्यूक्लियर पावर सबमरीन से कोई लेना देना है ये एक ऐसा नेवी शिप था जो कि टोरपीडो लॉन्च कर सकता है और रिकवरी वेसल है तो इसको देख लेते हैं किस तरीके का दिखता है रिकवरी वेसल का क्या मतलब है और टोरपीडो का क्या मतलब है इस शिप आई एन एस शिप का जो मेन कोर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है रिकवरी वेसल दैट मींस फॉर एग्जाम्पल गगनयान प्रोजेक्ट जल्दी ही लॉन्च होने वाला है

टोरपीडो लॉन्च एंड रिकवरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर गया इसका आंसर था इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड नासा उस समय न्यूज में था आज के समय पर जो न्यूज में चीजें चलती हैं वो क्या होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी न्यूज में बने हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा आपको एफसी वी एफ सी वी मीन वॉट फ्यूल सेल वेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व्हीकल्स के बारे में पूछ सकता है या नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड किसी टेक्नोलॉजी को पूछ सकता है जो कि ऑलरेडीलॉजी के प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला टॉपिक वहां डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ में ठीक है ना तो चलिए यहां पर क्या बात की गई थी उस समय पर उसको भी डिस्कस करेंगे लेकिन आज के टाइम पर भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके बारे में पूछा सकता है उसे आप जाके वापस से रिवाइज करें या कुछ और भी पॉइंट हैं जैसे कि फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल यहां से भी क्वेश्चन का पोटेंशियल बन जाता है जिनके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट ब्लेंडिंग वाले एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ की गई उन सबको यूज कर सकते हैं उस तरीके के व्हीकल्स हैं बट चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं सिक्सटीन में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था ये रिप्रेजेंट कर रहा था नासा के द्वारा डिजाइन किया गया कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दो तरीके से वर्क करता है फर्स्ट वन ये इलेक्ट्रिक है इसमें आपको फ्यूल नहीं यूज करना ऑल्दो इसमें थोड़ा बहुत डीजल का यूज होगा बट इट इज इलेक्ट्रिक इट इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इस इलेक्ट्रिक प्लेन का इसको देखिए यहां पर आपको विंग्स का पैटर्न डिफरेंट दिखेगा यहां विंग्स का पैटर्न डिफरेंट दिख रहा है दैट मीन जब ये टेक ऑफ करेगा उस समय पर ये जस्ट लाइक टेक टेकऑफ लाएगा हेलीकॉप्टर ठीक है, है ना और जब ये एयर में होगा उस समय पर ये वर्क बिहेव करेगा जस्ट लाइक एरोप्लेन तो ये फैसिलिटीज इसके अंदर है इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक है तो ये इलेक्ट्रिक के साथ मींस बैटरीज की हेल्प से इसको चला रहे हैं और बैटरीज में आपके होंगे यूज किया जा रहा होगा इसको चलाने के लिए है? तो ध्यान रखना जो भी में इस तरीके की बातें आजकल हो रही हैं वो आ सकती हैं तो उस समय पर तो इसका आंसर क्या था इलेक्ट्रिक टेस्टेड बाय नासा चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में आपके साथ पूछा गया विच ऑफ आर करेक्ट ये क्वेश्चन आज के टाइम पे भी रिलीवेंस है इसका क्योंकि वायरस वैक्सीन न्यूज में बनी हुई है फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी तो जो वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं पहले वो रिपीट हो सकते हैं और हुए भी हैं ईयर ट्वेंटी थर्टीन के अंदर जो वायरस से रिलेटेड सिंथेटिक सिंथेटिक मीडियम में वायरस को हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्या वो क्वेश्चन थर्टीन में पूछा गया था और वैसा ही मिलता जुलता वापस आपसे आप पूछा गया इन ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो ऐसे ही ये क्वेश्चन जो है ये वापस रिपीट हो सकता है या इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन फिर पूछी जा सकती है यहां आपसे पूछा गया वायरस कैन इन्फेक्ट किसको इन्फेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया फंगस प्लांट एनिमल वो सब आपके सामने रखे गए सोचने की बात ही नहीं है वायरस किसको इन्फेक्ट कर सकता है ऑलरेडी मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं वायरस क्या है एक ऐसी नॉन लिविंग थिंग लेकिन वायरस कब लाइव हो जाता है जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर जाता है ठीक है जब तक वायरस लिविंग सेल में नहीं गया उसके पास कोई ऐसा एंजाइम नहीं है कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके या एनर्जी प्रोड्यूस कर सके लेकिन जब वो लिविंग सेल में होगा तब वो वो रिप्लिकेशन की प्रोसेस को रिपीट कर सकता है अब लिविंग सेल मीन्स वॉट लिविंग सेल मीन्स जो भी प्रो एंड यू कॉरियड यू कैरियट्स है वो सभी लिविंग सेल ही तो हैं अब प्रो कैरियड्स और यू कैरियड्स की जब मैं बातें करता हूँ जब मैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के बारे में बातें करता हूँ तो उसके अंदर तो आपको बैक्टीरियाज भी देखने को मिलते हैं उसमें फंगस भी है उसमें प्लांट्स भी हैं उसमें लोअर स्टेटा वाले एनिमल्स भी हैं और उसमें हायर स्टेटा वाले एनिमल दैट मीन्स मेमल भी हैं तो वायरसेज सबको इन्फेक्ट कर सकते हैं सबको जो भी लिविंग थिंग है उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं इसका आंसर तो डी रहेगा बट इस क्वेश्चन की खासियत देखिए सोलह में जब यह क्वेश्चन पूछा गया यहां मैंने किया हुआ मैं एनसीआरटी इलेवेंथ बायोलॉजी चैप्टर टू और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर का स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उस स्क्रीनशॉट को देखिए इस स्क्रीनशॉट के अंदर वहीं पर एनसीईआरटी की बुक्स में साफ साफ लिखा हुआ है इन जनरल ज दैट इनफेक्ट प्लांट है बैक्टीरियो फैक्ट वायरस दैट इनफेक्ट दर यूजली डबल स्ट्रेंड डी एन ए वायरस तो एग्जामिनर ने यहां से आपके सामने क्वेश्चन रखा कि वायरस किस को इन्फेक्ट कर सकते हैं

वहां पर वायरसेस से रिलेटेड सब सा, ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जामिन के, एग्जामिनेशन के लिए वो है तो आप चाहो तो वहां से जाकर रिवाइज भी कर सकते हो क्वेश्चन नंबर नाइन सॉरी ये तो डिस्कस हो ही गया क्वेश्चन नंबर नाइन का जो आंसर होने वाला है दैट इज व्हाट डी क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में आपसे पूछा गया विद रेफरेंस टू बिटकॉइन विद रेफरेंस टू बिटकॉइन समटाइम सीन इन द न्यूज च ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इज और आर करेक्ट बिटकॉइंस मींस वॉट क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी को आप जनरली क्या बोलते हो डिजिटल एसेट्स उनको डिजिटल करेंसी नहीं बोलने लग जाना बिकॉज करेंसी होने के लिए उसको कई सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा सो बिटकॉइन मीन्स वॉट डिजिटल एसेट्स ये क्वेश्चन में आपको जो एलिमेंट देखने को मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एलिमेंट भी है नो डाउट बट एट द सेम टाइम इकोनॉमी का भी एलिमेंट देखने को मिलता है

जब बिटकॉइन का या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का ट्रांसफर करना है फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए इज वॉन्ट टू ट्रांसफर क्रिप्टो करेंसी टू पर्सन बी ए बी को ट्रांसफर करना चाहता है तो यहां पर जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से यह होगा दैट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी अभी मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ईयर 2020 के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आएगा वहां पर इस टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस हो जाएगा अभी के लिए आपको क्या समझना है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने वाली जो टेक्नोलॉजी है दैट टेक्नोलॉजी इज वॉट ब्लॉक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्चुअली में बनाया क्यों गया था इसके बारे का इसके बारे में एक्चुअली तो 90s में ही आ गया था बट इसका एक्चुअल रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलता है फ्रॉम द ईयर 2008 जब सतोशी नाका मोटो ने इसके बारे में सोचा एंड ही एक्चुअली डिजाइन दैट ब्लॉक टेक्नोलॉजी और उन्होंने बिटकॉइन डॉट जो अपनी वेबसाइट है उसको रन किया विद हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी को बनाने का जो कोर ऑब्जेक्टिव था दैट कोर ऑब्जेक्टिव इज वॉट डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन किससे करना है सेंट्रल बैंक में कीजिए क्योंकि सेंट्रल बैंक आपके मनी का जो भी ट्रांजेक्शन है उसको नजर बनाए के रखे हुए वी कैन से मनी का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इन दी कंट्री वो कैसा है सेंट्रलाइज लेकिन यहां इस टेक्नोलॉजी का रहता, इसको डिसेंट्रलाइज कीजिए ट्रांजेक्शन को डिसेंट्रलाइजेशन

और उसमें भी देखिए थर्ड थर्ड ऑप्शन ऑप्शन तो दोनों में है। दोनों में में कॉमन कॉमन है है। ही। अगर राम श्याम को बिटकॉइन भेजना चाहता है या परचेज करना चाहता है तो राम को नहीं पता श्याम के बारे में नहीं श्याम को राम के बारे में पता है उनको केवल क्या पता है एक दूसरे के बारे में केवल जो एड्रेस है वही पता है उस एड्रेस से जनरली तो नहीं पता लगा सकते बट ऐसे आजकल से आजकल की बात अलग है अभी मैं ईयर ट्वेंटी की बात करूं तो अलग है लेकिन जनरल लेमैन है उसको नहीं पता लगेगा उसने किससे बिटकॉइन परचेज किया है या किसको उसका बिटकॉइन गया है अगर उसने बेचा है तो हां जो बीच में इंटरमीडिएट है फॉर एग्जाम्पल बाइनेस कंपनी है दे नो अबाउट समथिंग बिकॉज उन्होंने तो केवासी किया ना जो भी लोग बाइनेंस के मेंबर बने और वो अभी बिटकॉइन परचेज कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं और उसमें मनी या रुपीज या डॉलर इन्वॉल्व है तो इंटरमीडिएट को पता है बट ए और बी को नहीं पता एक दूसरे के बारे में वो सारी रिक्वायरमेंट जो भी इंटरमीडिएट है वो सारा करके दे रहे हैं सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन तो दोनों के अंदर है जो भी पेमेंट हुआ दोनों साइड की पार्टीज को नहीं पता होता दोनों साइड की पार्टीज को नहीं पता बट क्या होता है पेमेंट होने के लिए व्हाट इज एक्चुअली नीडेड आपका एड्रेस होता है ये एड्रेस किसका है आपके वॉलेट का एड्रेस है जैसे आप बाइनेंस में गए तो बाइनेंस में जाके अपने अपना जो अकाउंट अप बनाया उस अकाउंट बनने के बाद एक आपको एड्रेस असाइन होगा उस एड्रेस के थ्रू सारे प्रोसेस होने वाली है सो दैट मींस व्हाट आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी टू एंड थ्री ओनली क्वेश्चन नंबर इलेवन इस टॉपिक से जहां पर आपसे पूछा गया इंडिया इज एन इंपोर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जिसे बोला जाता है आई टी ई आर देखिए दोस्तों यहां से यूपीएससी थ्री टाइम्स क्वेश्चन पूछ चुका है केवल इस टॉपिक से थ्री टाइम्स यहां पर दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले टू थाउजेंड टेन से पहले और अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिला 16 में टॉपिक आज भी पुराना नहीं होता ऑल दो टॉपिक है लेकिन आज भी इसके बारे में बातचीत होती है उसका कारण क्या है लास्ट ईयर इन दिसंबर आपने एक वर्ड सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू के बारे में आपने सुना था लेजर की हेल्प से आईटीईआर एक्सपेरिमेंट ER हो उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए उसके बारे उसका जो पिक्चराइजेशन है जो विजुलाइजेशन है उसको अचीव करने के लिए लास्ट ईयर ही दिसंबर में एक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू हुआ था विद हेल्प ऑफ लेजर दिसंबर 2022 दैट मींस ये टॉपिक वापस से रिवाइव हो जाता है Although आप ऐसा सोच सकते हो कि सिक्सटी में आया आप इसका क्या लेना देना लेकिन आज भी इसका उतना ही है यहां से क्वेश्चन बन सकता है अब आपसे पूछा गया कि आई एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है ऑल दो मैं आंसर आपको बता चुका हूं यहां पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन रखे गए कि यूरिनियम की जगह हम थोरियम का यूज करेंगे इसका तो डायरेक्ट लेना देना है इंडिया के अणुशक्ति प्रोग्राम के साथ फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इट कैन यूज थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरियनियम फॉर पावर जनरेशन ये इंडिया का अनुशक्ति जो प्रोग्राम है जिसे बोलते हैं थ्री स्टेजेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी उस प्रोग्राम की जो थर्ड स्टेज है उससे रिलेटेड है इसका ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट सेल्फ सेटेलाइट नेविगेशन वाली बात कर रहे हैं जो कि आई आर एन डब्लू एस के बारे में बात हो रही है नाविक के बारे में बात हो रही है थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है इट कैन ड्रेस्टिकली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट्स फिजन रिएक्टर इन पावर जनरेशन जो खास इससे कोई मिलता जुलता नहीं है फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है ये बात कर रहा है अबाउट न्यूक्लियर फिजन

थ्री टाइम्स आपको क्वेश्चन भी देखने को मिला यहीं से एनसीआर की बुक्स टू थाउजेंड सिक्स में आई थी उस समय पर ही एट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि बैक साइड पेज पर ही यह था फिर टेन में रिपीट हुआ उसके बाद सेक्शन में और आगे चलिए इसके बारे में समझते हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट सो सबसे पहले आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है अभी दैट बिल्डिंग इज एक्चुअली रिलेटेड टू वॉट आई टी ई आर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो कि फ्रांस सदर फ्रांस के अंदर एस्टेब्लिश है इसके अंदर सेवन मेंबर हैं उन सेवन मेंबर्स के अंदर नंबर ऑफ कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन तो ये सेवन मेंबर्स मिलके क्या अचीव करना चाहते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन इसी बिल्डिंग के इनसाइड का स्ट्रक्चर देखिए आप ये आउटसाइड में आपको जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसके इन में जब आप जाओगे तो इन में आई आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा ठीक है आई कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जा रहा है टोकामैक आपने एक वर्ड सुना होगा टोका मैक रशियन वर्ड है ये क्योंकि रशिया रशिया में सबसे पहले, सबसे पहले पहले जो बनाया बनाया था था वो था, तो वहीं से तो और मैं इसको और बेटर तरीके से बोलूं सबसे पहले फ्यूजन रिएक्टर के बारे में जो प्रोटोटाइप बनाए वो रशिया मरे और वहीं से फिर यह टोकामैक वर्ड चले आ रहा है आईटीआर के अंदर आपको देखने को मिलता है टोका मैक टोका मैक है क्या इनसाइड ऑफ दिस डिवाइस हमें देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर और अभी भी आज के समय पर भी जो आप सुनते हो वो अभी तक हुआ नहीं है अभी तक फ्यूजन को आपने उस लेवल पर अचीव नहीं किया जिस लेवल पर आप अचीव करना चाहते हो तो अभी तो टाइम लगना है टेन टू फिफ्टीन ईयर और लग जाएगा इस मशीन के अंदर फ्यूजन किया जाएगा किसका फ्यूजन किया जाएगा इसके अंदर आपको फ्यूजन किया जाएगा वन और वन क्या है ये वन और वन आप कह सकते हो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं एक आइसोटोप को बोला जाता है ड्यूटेरियम ये ड्यूटेरियम है एंड दैट वन इज टोकमेक ऑफ हाइड्रोजन आइसोटॉप्रोजन डूटेरियम एंड थ्री इनको फ्यूज होने के बाद जब एनर्जी प्रोड्यूस होगा उस एनर्जी को इन वॉल्व में जो आपको यह सर्कुलर वॉल दिखाई दे रही है द्वारा एबजॉर्व किया जाएगा ऐसी मशीन हमें बनानी है जहां फ्यूजन होगा फ्यूजन होने के बाद जो हीट निकलेगी जो गैसियस प्लाज्मा रिलीज होगा उसको होल्ड करना होगा उसे कंफाइन करना होगा विद हेल्प ऑफ सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड और उस हीट को अगर आपने कन्फाइंड कर लिया तो फिर क्या होगा वही जो हर पावर प्लांट के अंदर होता है हीट से आप वाटर को बॉइल करोगे वाटर से आप स्टीम बनाओगे स्टीम से आप टर्बाइन घुमाओगे और टर्बाइन से आप एक ऑल्टरनेटर को चलाओगे एक जनरेटर को चलाओगे और जनरेटर आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा इलेक्ट्रिसिटी ठीक है अब मैं बताता हूं आपको ब्रेक थ्रू के बारे में जो लास्ट ईयर हुआ अब तक हो क्या रहा था? अगर आपको हाइड्रोजन को फ्यूज कराना है तो आपको करना क्या होगा जैसी जो है, के अंदर है. वो आपको देखने को मिलेगा टू लैक्स डिग्री सेंटीग्रेड फाइव लैक्स डिग्री सेंटीग्रेड इस तरीके की बातें होती है इनसाइड ऑफ ऑफ स्टार इनसाइड ऑफ ए सन तो आपको इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपको उस लेवल तक ले जाना होगा जब आप टेम्परेचर को लैक्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाओगे तो वो एक ऑप्टिमम कंडीशन होगी हाइड्रोजन को फ्यूज होने के लिए और ऐसा अगर हो गया तो फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और के बाद आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब तक हो क्या रहा था आप फ्यूजन के लिए फॉर एग्जाम्पल आप फ्यूजन के लिए एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे थे एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी और उसके ऑफ तो एनर्जी कोई मतलब ही नहीं निकला आपने आपने एक्स अमाउंट की एनर्जी लगा दी फ्यूजन को कराने के लिए और जो प्रोड्यूस होकर एनर्जी आई वो वाई उससे कम है तो ये तो रिलायबल ही नहीं होगा ये तो उल्टा लॉस में चले गए लेकिन फर्स्ट टाइम इन दिसंबर जब लेजर के थ्रू कर, करा गया फ्यूजन को लेजर की हेल्प से ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम को इतना ज्यादा उस जहां पर ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम क्लोज किए गए थे कंफाइंड किए गए थे जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया इन दी लैक्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड तो हमें देखने को मिला लेजर के द्वारा यूटिलाइज की गई इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी फ्यूजन के बाद प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी से काफी कम थी तो पहली बार हमें देखने को मिला एक्स इज लेस देन वाई यानी इनपुट में जो यूज की गई इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी है वो प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी से कम थी तो यही तो हमें चाहिए तभी तो इसे सस्टेनेबल बोला जाएगा और वो हमें अचीव हुआ लास्ट ईयर लेकिन आप अभी ये सोच रहे होगे, जो लास्ट हुआ, वो कोई इतनी बड़ी डिवाइस के अंदर हुआ होगा नहीं वो बहुत छोटी थी, थी जिसमें डाला गया इसकी हेल्प से इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस किया गया यानी वो प्रोटोटाइप के लेवल पर काम हुआ है लेवल पर अभी ये जो रियलिटी है इसमें समय लगने वाला है इसमें ईयर लगने वाले ठीक है तो आपसे एग्जामिनर इस बार लेजर के ब्रेक थ्रू के ऊपर क्वेश्चन बना सकता है शायद पूछ भी सकता है और या फिर वही वापस से रिपीट होगा जैसे पहले पूछे जा रहे हैं चलिए बेसिक भी ले लेते हैं इसके बारे में इसका रिलायबल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाना जिसे टोका मैक बोला जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा टोका मैक यहां बनाया जा रहा है इस इस रिएक्टर के अंदर इस रिएक्टर को किस जगह पर प्लेस किया गया सदर्न फ्रांस ये यूपीएससी में पहले पूछा जा चुका है इसके मेंबर्स के बारे में भी यूपीएससी में पहले पूछा जा चुका है तो वो आपको पता होना चाहिए इसमें यूरोपियन यूनियन इंडिया चाइना जापान रशिया यूएसए एंड साउथ कोरिया ये वो कंट्रीज हैं जो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है इसका आंसर तो सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर फॉर दी पावर जनरेशन चलिए क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह में आपसे पूछा गया डिजिटल लॉकर के बारे में डिजी लॉकर जैसे बोलते हैं ऑलमोस्ट आपने भी बनाई रखा होगा इस लॉकर के अंदर अपना अकाउंट है क्या ये पूछा गया आपसे डिजिटल लॉकर के बारे में डिजिटल लॉकर वाला क्वेश्चन आपका किस तरफ आएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑल दो इससे रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि डिजिटल लॉकर इज रिलेटेड वॉट डिजिटल इंडिया कैंपेन डिजिटल इंडिया कैंपेन का अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सेवनटीन के अंदर ठीक है ना और डिजिटल लॉकर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा अगर ध्यान से देखा जाए डिजिटल लॉकर है क्या डिजिटल लॉकर गवर्नमेंट ने आपको एक ऐसा वेबसाइट दिया जिसमें आपको कुछ स्पेस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो इन ए डिजिटल फॉर्म तो गवर्नमेंट ने आपको स्पेस दिया ये कुछ वैसा ही हो गया ना जैसे गूगल गूगल वाले आपको ड्राइव प्रोवाइड कराते हैं गूगल वाले ड्राइव या मेल बॉक्स आपको ड्रॉप बॉक्स कई तरीके के आपने ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स देखे होंगे जिसमें आपको स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है यहाँ पर आपको स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड गई किसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपसे पूछा गया इट इज ए डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम दैट इज करेक्ट इसी प्रोग्राम के अंदर एक लॉकर सिस्टम आपको प्रोवाइड किया गया इस लॉकर में आप क्या रखने वाले हो इसमें हीरे जवाहरात तो नहीं रखने वाले इस लॉकर के अंदर जाने वाला क्या इट अलाउज यू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट्स आपके लाइसेंस आधार कार्ड आपकी मार्कशीट इन सबको आप प्लेस करोगे अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप इस साइट पर जाके देख भी सकते हो आप अपने आधार या ईमेल से इसमें लॉगिन करोगे लॉगिन करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर स्पेस मिल जाएगा आ, उस स्पेस के अंदर आप अपने डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो और आगे इसके फायदे क्या होने वाले मल्टीपल फायदे होने वाले आपको हर जगह पर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाने ठीक है ना अगर जिस एजेंसी में जिस जगह आप रिक्रूट होकर जाने वाले हो जहां पर आपके रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की तो आप अपने डिजिटल लॉकर के बारे में उन्हें रेफरेंस में दे सकते हो तो अपना कंसेंट दे सकते हो कि आप मेरे डॉक्यूमेंट्स को यहां से जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हो ठीक है चलिए इसका इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ली जाए तो डिजिटल लॉकर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया गवर्नमेंट ने लोगों को एम्पावर करने के लिए एम्पावर करने का मतलब क्या है हर समय डॉक्यूमेंटों को हैंड में कैरी करने के बजाय क्यों ना अपने मोबाइल के अंदर डॉक्यूमेंट को लाया जाए विद हेल्प ऑफ डिजिटल लॉकर डिजिटल लॉकर की वजह से होगा क्या डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे जो कि आपके डिजिटल लॉकर में होंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रोग्राम को रन कर रही है ऐसा करके दो दो जगह आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा सिटीजन को भी एडवांटेज होगा और एजेंसीज को भी होगा एडवांटेज सिटीजन को एडवांटेज क्या क्या है बता दिया मैंने जैसे एनी टाइम एनी वेयर कहीं पे भी आपको अपने डॉक्यूमेंट चाहिए आप डिजिटल लोकल ओपन कीजिए विद हेल्प ऑफ इंटरनेट और आप उसे यूटिलाइज कीजिए ऑथेंटिकेशन हो जाएगा लीगली है आप ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोक लिया आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आप डिजिटल लॉकर से उसे दिखा सकते हो वो आपको मना नहीं कर सकता लीगलिटी इसके पीछे देखने को मिलती है हो सकता है व्हाट्सअप में पढ़ाओ तो एक बार के लिए मना कर दे लेकिन यहाँ पर मना नहीं कर सकता है डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ योर सेल्फ एंड एट द सेम टाइम फास्टर सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी और सेम गोज विदेंसीज एजेंसीज एजेंसीज का भी जो हर्डल है फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन का वो कम हो जाएगा उन्हें ये पता रहेगा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पासपोर्ट आधार इन सबको वेरीफाई करके ही वहां पर रखा होगा दैट मीन्स एजेंसीज को भी हेल्प होने वाली है और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है डिजिटल लॉकर वाला वो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन यहां आपसे पूछा गया अबाउट मंगलयान देखिए मंगलयान वाला भी इश्यू वापस से फिर रिवाइव हुआ बिकॉज लास्ट ईयर इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू मंगलयान का जो कम्युनिकेशन था विद इसरो वो लॉस्ट हो गया तो इसरो ने कंक्लूड किया इन इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू के वी लॉस्ट द कम्युनिकेशन विद मंगलयान हम उसके साथ में अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाए दैट मीन मंगलयान मिशन ऑफिशियली एंडेड इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो जो जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द ईयर 2013 से लेके वो खत्म होगी तो जो रेलिवेंस है वो रेलिवेंस वापस से आके देखने को मिल जाता है आपको फिर यहां पर आपसे पूछा गया मैं उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा और अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा वो तो पॉसिबिलिटीज है मंगलयान के जो आउटपुट्स हैं जो मंगलयान ने हमें अचीवमेंट्स दिए हैं उन अचीवमेंट्स के बारे में पूछा सकता है मंगलयान ने पूरा कंप्लीट एटलस बना के दिया मार्स का मंगलयान ने मार्स के एटमोस्फियर के बारे में बताया कि कौन सी गैसेज का कॉन्सेंट्रेशन गैसे ज्यादा है कौन सी का कम आइस फॉर्म में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उनके बारे में बताया उसके नॉर्थ और साउथ पोल पे वो सब क्वेश्चन आपसे इस बार पूछे जा सकते हैं बट जब आपसे पूछा गया कि मंगलयान को आप मार्स ऑर्बिटर मिशन भी बोलते हो मॉम दैट इज एक्चुअली करेक्ट इस इसमें तो मूवी भी बनी हुई है आपने देखी भी होगी शायद फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट सेकेंड वन मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्सर यू एस एंड थर्ड वन मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसको समझते हैं क्या है इसमें मंगलयान को लॉन्च करने के बाद जो अचीवमेंट है वो क्या रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट इफेक्टिव था काफी चीपेस्ट वे में हमने मार्स ऑर्बिटर को भेजा सेकंड इंडिया इज द ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड जिसने फर्स्ट टाइम के अंदर मंगल के ऑर्बिट करने वाला कोई स्पेसक्राफ्ट भेजा ऑल दो इंडिया से पहले कई और कंट्रीज भी भेज चुकी थी वो कौन कौन सी थी यूएसए लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएसए नहीं भेज पाया सेकेंड और थर्ड टाइम में जाकर उन्हें सक्सेस मिला सेम गोज विधि रशिया या उस समय पर उसको सोवियत यूनियन बोला जाता था रशिया उनको तो कई और ज्यादा अटेम्प्ट लगे थे उनका तो मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट के बाद उनका सक्सेसफुल हुआ था मार्च से रिलेटेड मिशन इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी वॉट वी कैन से अगर बात की जाए कि किस कंट्री ने फर्स्ट टाइम में ही अचीवमेंट सक्सेसफुल अचीवमेंट किया तो वो इंडिया है बट अगर काउंटिंग की बात करें तो इंडिया का जो पोजीशन है दैट इज फोर्थ वन और यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या रहा क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया कि इंडिया इज द सेकंड कंट्री दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट इज गलत सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि इंडिया से पहले यूएसए सोवियत यूनियन दैट मीनस रशिया एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑलरेडी भेज चुके हैं सेकेंड स्टेटमेंट जैसे ही गलत होगा तो आपके पास क्या बचता है यू हैव ओनली ए एंड सी वन को आपको पढ़ना ही नहीं है है केवल थर्ड के बारे में पता होना चाहिए और वो भी करेक्ट है। क्योंकि इंडिया ही वो अकेली कंट्री जिसने फर्स्ट टाइम में मार्स ऑर्बिटर मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करके मार्स को ऑर्बिट करा दिया दैट मीन आंसर क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा सी वन एंड थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एस्ट्रोसेट देखिए इस तरीका क्वेश्चन अब नहीं आएगा यूपीएससी में उसका कारण मैं एस्ट्रोसेट के बारे में बात नहीं कर रहा एस्ट्रोसेट से रिलेटेड जो अभी ऑब्जर्वेटरी है है वहां पर आ सकता क्वेश्चन जैसे उस समय आपसे एस्ट्रोसेट पूछा गया था जो कि इंडिया की पहली स्पेस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी अभी इंडिया अपनी दूसरी स्पेस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भेजने वाला है जिसे बोलते हैं आदित्य 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 एलवन को जरूर पढ़ना यहां से क्वेश्चन बन सकता है आदित्य एलवन उस समय आपसे एस्ट्रोसेट को पूछा इस समय आदित्य एलवन को पूछ सकता है लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देगा ये जो एस एस टाइप का स्टेटमेंट बनाया ऐसे स्टेटमेंट जनरली यूपीएससी में नहीं बनते यहां देखिए स्टेटमेंट को एस्ट्रोसेट इज अ टू थाउजेंड किलोग्राम सेटेलाइट कभी याद करने का जरूरत नहीं है कौन सा सेटेलाइट कितने वेट का है और उसके बाद इट इज प्लेस्ड इन द ऑर्बिट 1650 किलोमीटर ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी नहीं बनाता लेकिन 16 में ऐसे क्वेश्चन बने थे इसीलिए 16 का कट ऑफ भी बहुत बढ़ गया था काफी ज़्यादा था लेकिन आज देखिए आजकल आपके जो भी होते हैं, उसमें होता है। आज के समय स्टेटमेंट अगर ये बनता, तो कुछ ऐसा द इनबाई अर्थ ऑर्बिट कुछ इस तरीके के ऑर्बिट वाले पॉइंट बनाए जाते न कि इस तरीके का कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखा जाता तो जैसे उस समय न्यूज में था एस्ट्रोसेट क्वेश्चन बना आज के समय पर इंडिया का सेकंड स्पेस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी आदित्य एलबन न्यूज में

क्योंकि स्पेस एस्ट्रोनोमिकलिस जो ऑब्जर्वेटरीज है टेलीस्कोप है ये तो बहुत सारी कंट्रीज इंडिया से पहले लॉन्च कर चुके हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी रसिया चाइना यूरोप से कई और भी सारे देश हैं यूएसए तो ये सेकंड या थर्ड कंट्री तो है ही नहीं काफी पीछे आता है इस वाली रैंकिंग में दोनों स्टेटमेंट ही गलत है इसका आंसर है डी ऑप्शन ठीक है ऑल दो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बोला जाता है मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट आउटर स्पेस में जाएगा अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता रहेगा और जो भी यूनिवर्स से मल्टीपल वेवलैंस रिसीव हो रही है light, light, IR, microwave, इस तरीके की फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में स्प्रेडेड है उन सभी को डिटेक्ट करने का इसका कोर ऑब्जेक्टिव था और उन सबसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है हमें बहुत सारी फैक्ट्स मिलते हैं अबाउट द बिग बैग अबाउट द एक्सपेंसन ऑफ गैलेक्सीज हमें कई सारी जानकारी मिलती है और उसी को उसको अचीव करने के लिए इस ऑब्जर्वेटरी को भेजा गया था ठीक है चलिए तो इसका आंसर था दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है इसका आंसर जाएगा नीदर वन और टू चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे करंट अफेयर से, से रिलेटेड था क्योंकि उस समय एक मूवी रिलीज हुई थी और उस मूवी का नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजी ऑफ वॉर बायोलॉजी ऑफ विच इंडियन साइंटिस्ट यहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखे गए जैसे सीवी रमन

श्रीनिवासन रामानुजन श्रीनिवासन रामानुजन के ऊपर मूवी आई द मैन हु न्यू इन्फिनिटी और वहीं पर यह क्वेश्चन भी आपसे बना दिया इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा श्री रामा श्री रामानुजन की जो स्टोरी है उसके उनके चाइल्ड से लेकर और उनकी डेथ तक का वो सब कुछ अच्छे से बताया है उनकी जो इन्फिनिट सीरीज वाली थ्योरी है जो कि जिसे कि मूवी का नाम भी देखिए क्या रखा है मूवी का नाम भी है द मैन मैन्यू न्यू इन्फिनिटी क्योंकि इन्होंने इनफिनिट इन्फिनिट सीरीज जो मैथमेटिकल सीरीज है उसके बारे में बताया था ठीक है और वही यहां पर मूवी का नाम भी पड़ा और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एस रामानुजन तो चलिए दोस्तों ये आज के सेशन के 15 क्वेश्चन क्वेश्चन थे फ्रॉम द ईयर 2016 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ये पूरा लेक्चर का जो डिस्कशन है वो ठीक लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि ऐसे वीडियोज आपको डे टू डे बेसिस पर मिलते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है कोई नया पॉइंट आप ऐड करवाना चाहते हो या कुछ और आपको फर्दर डिस्कशन चाहिए रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पुट कर सकते हो उसे थैंक यू वेरी मच